हेलो दोस्तों, वंस अगेन वेरी वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। एंड इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू कंप्लीट फोकस फॉर द दोज हु वांटेड टू टेक एडमिशन इन द कंप्यूटर आईटी आईसीटी कंप्यूटर साइंस और एनी ऑफ द कंप्यूटर रिलेटेड ब्रांच। सो द मेन फोकस फॉर टुडेज वीडियो इज कोडिंग। आज यहाँ पे हम कोडिंग के ऊपर पहला ये वीडियो लेके आएंगे फॉर द बैच ऑफ 2022-27, यानी कि अब जो कंप्यूटर की और कंप्यूटर रिलेटेड ब्रांच की बैच बनेगी उसके लिए यहाँ पे पहला कोडिंग रिलेटेड वीडियो बनने जा रहा है। अब ये मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे मोस्टली कंप्यूटर के ही स्टूडेंट है और मेरी भी बैकग्राउंड कंप्यूटर रिलेटेड ही है, तो यहाँ पे मैं आपको बहुत गाइड कर दूंगा आपको कंप्यूटर आईटी फील्ड के रिलेटेड। तो यहाँ पे ये पहली वीडियो होने वाली है आपकी बैच के लिए कोडिंग के लिए। अब यहाँ पे हुआ क्या है कि सिंस लास्ट कपल ऑफ डेज आई हैव फाउंड दिस काइंड ऑफ कमेंट वेयर पीपल आर आस्किंग मी that how to start learn coding in the free time, because mostly currently you don't have any of the single work। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक वीडियो भी डाला था कि follow your passion, कि आप अभी से कुछ करना start कीजिए। तो यहाँ पे I got comments like कि how I want to start learn coding but please guide me। okay, so see thing is, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना चाहिए, कितना टाइम करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, बहुत सवाल होंगे। कोडिंग अभी आपके लिए एक दरिया होगा, ठीक है। एंड या इट्स ह्यूज ओशन की जिसके अंदर आप जितना डीप डाइव करना चाहते हो आप कर सकते हो, जितना आप उंडा चाहोगे, जितना आप लेंथ करना चाहोगे आप उतना तैर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले तो यू कैन स्टार्ट विद द मदर ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड विच इज बेसिकली नोन एज मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज। मोस्ट पॉपुलर इन द सेंस कि जब भी यहाँ पे कोई भी नया बंदा आता है ना कंप्यूटर पर, वो यहाँ से ही स्टार्ट करता है। एंड दैट इज योर सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, दैट इज द फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यू शुड स्टार्ट विद, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अभी के लिए आप सी प्रोग्रामिंग लिखना लर्न करना स्टार्ट कर सकते हो। आप यहाँ पे ये पूछोगे कि सर इसके लिए लैपटॉप रिक्वायर्ड है कि नहीं, तो देखिए अभी के लिए आपको सीखने के लिए लैपटॉप रिक्वायरमेंट की जरूरत नहीं। आप फोन से भी वीडियोस देख सकते हो, फोन से आर्टिकल पढ़ सकते हो, फोन से यहाँ पे वेबसाइट विजिट करके सीख सकते हो। बट यहाँ पे मेरा रिकमेंडेशन ये रहेगा कि अगर आप कंप्यूटर रिलेटेड ब्रांच में जा रहे हो तो हो सके उतनी जल्दी आप लैपटॉप परचेस कर लो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। लैपटॉप इन द सेंस कि बहुत ज़्यादा महंगा लेने की, हाई कॉन्फ़िगरेशन वाले लैपटॉप लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपको यहाँ पे बेसिक सा यहाँ पे कंप्यूटर का मतलब लैपटॉप ले सकते हो। तो यहाँ पे अभी के लिए आपको लैपटॉप की रिक्वायरमेंट हो, मतलब आपके पास हो, तो दैट इज़ वेल एंड गुड। बट ऐसा नहीं कि मैंने यहाँ पे बोल दिया तो कल के कल यहाँ पे क्रोमा या फिर डीमार्ट कहीं पर, डीमार्ट में नहीं मिलता है, मतलब जस्ट किडिंग में, ओके, यहाँ पे कल आप कहीं चले गए और खरीद के आ गए फोर्सफुली पेरेंट्स को बोल के, नो, इट इज नॉट लाइक दैट। वॉट आई वॉन्ट टू टेल यू इज इट इज गुड इफ यू आर हैविंग लैपटॉप एट द सेम टाइम, ठीक है। बट ऐसा नहीं कि आपके पास होना ही चाहिए, आप फ्यूचर में ले सकते हो, बट अभी के लिए आपके पास हो तो अच्छी बात है, नहीं हो तो ऐसा कोई भी कंपल्सरी बात नहीं है कि आप हाल ही मतलब लैपटॉप लेके आ जाओ, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने स्टार्ट की कि यू कैन स्टार्ट विद द मदर ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड दैट इज द सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सेकेंड पॉइंट, हाउ टू स्टार्ट लर्न फॉर द सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। बहुत सारे दोस्तों अब आपके पास ऑप्शंस हो गए एंड यू आर सो मच लकी कि आप जिस जमाने में जी रहे हो वहाँ पे चैट जीपीटी जितने एआई इतने पावरफुल हो गए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपके साथ है, तो यू आर सो लकी, ठीक है। आपको सब कुछ यहाँ पे आपको सिर्फ टाइप करके बोलना है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोट आपको सब कुछ यहाँ पे आपको खुद से बना के दे रहा है, ठीक है। तो यू आर सो लकी इन द सेंस। अब यहाँ पे पॉइंट नंबर टू में कवर करना चाहूंगा कि हाउ टू स्टार्ट लर्निंग इट। देखिए सबसे पहला आपके पास यूट्यूब का सहारा है, जैसे कि आप अभी ये वीडियो भी YouTube पे देख रहे हो, तो ऐसे बहुत सारे यहाँ पे YouTube के ऊपर प्लेलिस्ट आ जाएगी। तो आप यहाँ पे मुझे एक ही सवाल पूछोगे कि सर आपने YouTube बता दिया तो आप अब चैनल का नाम भी तो बता दीजिए, तो इसका आंसर मैं यही करूँगा कि वो आप अपने हिसाब से ढूंढो तो ये ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि आपको कौन सी चैनल पर से समझ में आ रहा है, कौन से टीचर का आपको समझने में ईजी लग रहा है, हिंदी में जाना है, इंग्लिश में जाना है, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपको कौन सी मतलब चैनल अच्छी लगी। सपोज मान लीजिए यहाँ पे मैं 5-10 चैनल बता दूंगा तो आप ऐसा तो है नहीं कि आप ब्लाइंडली मतलब वो स्टार्ट कर दूंगे। जैसे कि यहाँ पे मैं एक टेलुस्को करके चैनल है, फिर एक है कोड विथ हैरी है, कोड विथ मोर्स है, फ्री कोड कैंप है, ऐसी बहुत सारी चैनल है। इन सम यू कैन फाइंड इट इन द इंग्लिश, इन सम यू कैन फाइंड इन द हिंदी, ठीक है। तो आपके पास बहुत सारे रास्ते हैं। माई पॉइंट नंबर टू इसके ऊपर मैं आगे जाना चाहूँगा एंड दैट इज द W3 स्कूल। बहुत अच्छी यहाँ पे ये वेबसाइट है, इसके ऊपर आप बहुत सब कुछ सीख सकते हो। एंड सेकेंड इज द जावा टी पॉइंट। ये दोनों वेबसाइट आपको यहाँ पे मैं ओपन कर देता हूँ, आपको सिर्फ जावा टी पॉइंट लिखना है और आप फर्स्ट वेबसाइट पे आ जाओगे। सेम यहाँ पे W3 स्कूल, यहाँ पे आप ऊपर URL में देख सकते हो, ये उसकी है। और यहाँ पे आपको ट्यूटोरियल्स के अंदर सी लैंग्वेज यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगी, लर्न सी लैंग्वेज। और यहाँ पे मैं इसके ऊपर भी आपको लेके चलता हूँ, तो ये है जावा टी पॉइंट, तो जिसके अंदर आप ऊपर ही यहाँ पे देख पाओगे यहाँ पे है प्रोग्राम।
प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बहुत अच्छी, बहुत ईजी है, और यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में हर एक टॉपिक है। आपने इतने टॉपिक्स कर लिए ना, इसका मतलब आपके यहाँ पे सी लैंग्वेज खत्म हो गई। यहाँ पे आप बेसिक से, बहुत बेसिक से लेके एडवांस या फिर इंटरमीडिएट लेवल तक आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितना जाना है, ठीक है। तो ऑलमोस्ट यहाँ पे 150 जितने टॉपिक्स कवर है, आप एक एक घंटे में एक एक टॉपिक निपटा सकते हो। जैसे कि अभी हम फर्स्ट पेज पे हो, तो यहाँ पे है व्हाट इज द सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन दी गई है, ये सब कुछ है। उसके बाद है हिस्ट्री ऑफ सी लैंग्वेज, ये तो आपको सिर्फ पढ़ना ही है, इसमें तो आपको कुछ याद रखने की भी जरूरत नहीं है। हाँ, ये अच्छी बात है कि अगर आपको लैंग्वेज के साथ साथ ये भी नॉलेज हो कि आपने मतलब सी लैंग्वेज किसने बनाई, तो डेनिस रिच इज दी मतलब क्रिएटर, जी यहाँ पे आप पढ़ सकते हो कि सी लैंग्वेज प्रोग्राम in the 1972 by Dennis Ritchie, ठीक है। तो यहाँ पे उसके बाद कौन से डेटा टाइप है, लूप कौन कौन से होते हैं, जैसे कि फॉर ईच हो गया, इफ एल्स हो गया, स्विच लूप हो गया, व्हाइल हो गया, डू व्हाइल हो गया, स्विच तो यहाँ पे टेस्ट केसेस है, तो ये आप सब कुछ यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। तो ये आपके पास यहाँ पे ये सारे पॉइंट्स आप देख सकते हो, और सेम यहाँ पे भी आप सी लैंग्वेज में देख सकते हो। यहाँ पे बहुत अच्छी तरह से दोनों वेबसाइट अच्छी है, इसके अलावा भी बहुत सारी वेबसाइट है, आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपको कौन सी लैंग्वेज में पढ़ना है। माई पॉइंट नंबर टू इज कम्प्लीटली कवर कि आपको किस तरह से पढ़ना है। नाउ मूव ऑन टू द पॉइंट नंबर थ्री कि यहाँ पे कितना टाइम देना चाहिए, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। दोस्तों जैसे यहाँ पे आप अंदर अंदर जाते जाओगे ना, आपको उतना ही इंटरेस्टिंग लगेगा, आपको उतने ही सीखने की अंदर से धगस स्टार्ट होगी, एक भूख लगेगी, ठीक है, कि नहीं मुझे कुछ नया स्टार्ट करना है। और जैसे आपका इसमें इंटरेस्ट आएगा, आप उतना टाइम इसमें ज्यादा दे पाओगे। इन द इनिशियल, इन द बिगिनिंग फेज यू कैन पुट 2 to 3 hours इन अ डे, इसके ऊपर आप दे सकते हो। मतलब सुबह आधा घंटा कर लो, दोपहर को आधा घंटा कर लो, और शाम को आधा घंटा कर लो, दैट कम्प्लीटली डिपेंड। स्टार्टिंग में आप कम टाइम दो, और जैसे आपका इंटरेस्ट बढ़ना चालू हो जाए, आप इसके ऊपर ज्यादा टाइम दे के आप यहाँ पे सीख सकते हो। तो दिस इज माई पॉइंट नंबर थ्री। Now let's move on to my point number 4, and that is the how difficult is and how much time it will take. In the 6 month you can reach at the intermediate level. ये मैं आपको guarantee के साथ कह सकता हूँ, आप दिन के अंदर 2-3 घंटा लेके चलिए, 6 महीने के अंदर आप यहाँ पे सी लैंग्वेज में एटलीस्ट इंटरमीडिएट या फिर इंटरमीडिएट से भी ऊपर के लेवल पे आप इजिली आ पाओगे। तो ये मेरा पॉइंट नंबर 4 है। माई पॉइंट नंबर 5 इसकी सी लैंग्वेज सीखने से फायदा क्या होगा। तो जैसे ही मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोल दिया कि सी लैंग्वेज इज ऑल्सो नोन एज द मदर लैंग्वेज ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यानी कि ये बहुत बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। तो यहाँ पे आप सी लैंग्वेज स्टार्ट करो, और आप आगे चल के बहुत सारी अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख सकते हो, बट आप सी से स्टार्ट करो तो ये बहुत ज्यादा बेटर रहेगा। इन योर पॉइंट सेकेंड सेमेस्टर यू कैन गो विद द सी प्लस प्लस, इन द थर्ड यू कैन गो विद द जावा, देन जावा स्क्रिप्ट, देन रिएक्ट जेएस, देन डेटा साइंस, पाइथन, एंड यू कैन लर्न मल्टीपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एज वेल, ओके। बट एटलीस्ट यू शुड हैव टू स्टार्ट समथिंग, ठीक है। तो ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा कि आप इस वीडियो से कितना मोटिवेट होते हो, और आप कब से यहाँ पे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है। सो या दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू एनी डाउट्स, एंड फील फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू, बाय बाय।